नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो ईस्टर्न हाईलैंडर चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे वीडियो में कि इतनी सारी भीड़ क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, मैं फिर से आया हूँ कामाख्या मंदिर में एंड ये बहुत ही शुभ अवसर है। एंड अभी चल रहा है कामाख्या मंदिर में अंबुबशी मेला। अंबुबशी मेला के बारे में दोस्तों थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। तो देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या टेम्पल, जिसमें वार्षिक मेंस्ट्रुएशन होता है देवी माँ का, यानी कि पीरियड्स होता है अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो इस समय में ना 3 दिन के लिए जो मंदिर के द्वार होते हैं वो बंद रहते हैं एंड 4 दिनों तक 5 दिनों तक तांत्रिक जो मतलब देश भर में कई जगह से जो तांत्रिक लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं ताकि वो अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों को बढ़ा सके। लेकिन इस समय में जब हम मंदिर जाते हैं तो कोई भी पूजा पाठ करना टोटली मना होता है। हाँ, ये है कि देवी माँ को सिंदूर ये सब आप चढ़ा सकते हो, लेकिन आप अगरबत्ती दिया ये सब कुछ नहीं जला सकते। एंड जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे भंडारा लगाया गया है, मतलब ये पानी ये सब पिलाया जा रहा है एंड लोगों को पैदल पैदल ऊपर चढ़ना पड़ता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे कि रुद्राक्ष की माला है ये सब भी यहाँ पे बेची जाती है, सिंदूर बेची जाती है, मतलब अनेकों चीज़ वहाँ पे है। एंड ये आपका होस्ट मैं हूँ, जो बहुत ही थक हार के, एक्चुअली क्या है ना कि नीचे से ऊपर तक जाना पड़ता है तो बहुत भाई थकान हो जाती है एंड व्हीकल ऊपर अलाउ नहीं होता है, तो भाई बस है और जैसे तैसे पहुँच जाओ ऊपर, ये बात है। लेकिन कई लोग आते हैं ना तो देख के भी मज़ा आता है, जाके भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये रहा देवी माँ का मंदिर का गेट, जिसको फूलों से सजाया गया है। एंड अब हम बढ़ते आगे। दोस्तों ये है देवी माँ का गर्भगृह, तो इसके नीचे में एक्चुअली बहुत अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा सा सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। तो वहाँ पे देवी माँ का मतलब जो शक्तिपीठ है वो रखा गया है वहाँ पर। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग, आप देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने मतलब जो अगरबत्ती जलाया था उनको मना भी किया गया था, तभी भी लोग यहाँ पे जला रहे थे। अब देखो भाई, रिलीजन ऐसा चीज़ होता है ना कि धार्मिक जो भावना होती है वो लोगों के इमोशंस पे होती है, तो उनको मना करके भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बट स्टिल लोग कर रहे, तो देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बट अल्टीमेटली क्या है। एंड यहाँ पे हमारे शिव शंभू जी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जैसे होता है इस तरीके से पूरा रेडी होके खड़े हैं वो। तो जैसे जैसे मंदिर के प्रांगण में हम लोग घूमते जा रहे थे, इतना ही आनंद आता जा रहा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत से तांत्रिक एंड साधु लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये कक्ष दिया जाता है जहाँ पे वो लोग आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग बाहर में भी बैठे हुए थे, उनको आप देख सकते हैं। दोस्तों ये व्यू देखिए, ये मंदिर का है जो मैंने सीढ़ियों से लिया था, ये इस साल में जो हमारा अंबुबशी मेला हो रहा है वहाँ का है। एंड भीड़ देखिए कितना है, अब आपको दिखाता हूँ पिछले साल का, कितना सुंदर सजाया गया था मंदिर को। पता नहीं इस बार क्या हो गया, बजट ही लो था कि क्या था, बट लास्ट ईयर का भीड़ भी ज़्यादा था एंड मतलब देख के अलग ही एक माहौल था भाई। एंड ये ना जो लास्ट ईयर का जो वीडियो है ये 6 बजे का था। एंड ये वहाँ पे मंदिर के अंदर में है, ये एक्चुअली देखिए आप वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो गोल्डन कलर की जो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे सब लोग जाके माथा टेक रहे हैं, वो दरवाज़ा बंद किया हुआ था। एंड यहाँ पर नीचे में एकदम हमारे साधु बाबा लोग सबके सब, तांत्रिक बाबा लोग सबके सब नहाते हुए, जहाँ पे मतलब पानी जमा होता है वहाँ पे, तो वहीं पे सब स्नान करते हैं, क्योंकि रात को ये लोग यहीं पे रहते हैं, तो कहीं इनको होटल की ये सब की कोई व्यवस्था होती नहीं है, तो जो है यहीं पे करना होता है उन लोगों ने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये मैं फिर से, तो यहाँ पे मेरा हर साल का सीन होता है, सीन ये है कि मेरा आज बर्थडे है एंड हर साल मैं बर्थडे के दिन कामाख्या मंदिर आता हूँ एंड पानी बांटता हूँ लोगों में। तो
वही बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आके लोगों को पानी बांटने में, बहुत ही एक अलग ही एहसास होता है। मंदिर में आके तो एक एहसास होता ही है, उसके अलावा भी एक क्या ये मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं चप्पलों का अंबार। अपना चप्पल ढूंढो भाई यहाँ पे आकर, कहाँ पर चप्पल है खुद ढूंढो और पहन के जाओ। नहीं मिला तो क्या करोगे, या तो खाली पैर जाओ या तो किसी और का ले जाओ। गौर से देखिए इस चप्पल चोर को, गौर से देखिए। तेरी लगन में मगन में नाचू गाँव तेरा जगराता, मैं बालक तू नाता से रवाली, मैं टूटिए नाता से रवाली से रवाली रवाली माँ, जो तबालिए माँ मैं रवाली माँ। थैंक यू मिलते हैं बाद में।